बिलासपुर जिले के कोटा थाना क्षेत्र में रिटायर्ड शिक्षक से धोखेधड़ी का मामला सामने आया है। बाइक सवार युवकों ने रिटायर्ड शिक्षक का खेत समतलीकरण करने के बाद 20 लाख रुपए मांगे। मना करने पर उन्होंने मालिक को दिखाने के लिए 4 लाख रुपए मांगे। कोटा क्षेत्र के ग्राम सलका में रहने वाले इस ध्रुव रिटायर्ड शिक्षक हैं। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि 5 दिसंबर की सुबह बाइक सवार दो लोग उनके घर आए। उन्होंने रिटायर्ड शिक्षक से खेत का समतलीकरण करने को कहा। शिक्षक ने उन्हें मना कर दिया। दोपहर में युवकों ने फोन कर फिर से समतलीकरण करने को कहा। उनकी बातों में आकर शिक्षक ने दूसरे दिन खेत दिखाकर समतल करने के लिए कहा। युवकों ने खेत को मशीन में समतल कर दिया। इसके बाद 12 दिसंबर को युवक शिक्षक के पास आए। उन्होंने खेत का नाप कर 20 लाख रुपए की मांग की। काम का 20,000 से अधिक नहीं होने की बात कहते हुए शिक्षक ने रुपए देने से मना कर दिया। युवकों ने शिक्षक को अपने झांसे में लेकर मालिक को दिखाने के लिए 4 लाख रुपए की मांग की। इसके बाद उन्होंने रुपए लौटाने की भी बात कही। उनकी बातों में आकर शिक्षक ने कोटा स्थित पंजाब नेशनल बैंक से 4 लाख रुपए निकालकर युवकों को दे दिए। इसके बाद युवक रुपए को लेकर फरार हो गए। युवकों के नहीं लौटने पर शिक्षक ने मामले की शिकायत कोटा थाने में की। इस पर पुलिस जुर्म दर्ज कर जालसाज युवकों की तलाश कर रही है। कोटा से रमेश भट्ट की रिपोर्ट। 5 तारीख को ये लोग आए और मुझसे समतलीकरण की बात करके ये लोग मुझे खेत ले जाना चाहते थे, लेकिन मैं खेत जाने से इनकार किया। ये लोग ज़बरदस्ती की बोले कि चलिए तो सर दिखा तो दीजिए। मैं खेत चला गया। खेत गया, वहाँ भी मैंने मना किया। 6 और 7 तारीख को ये दोनों जो हैं कि बोले कि सर हमको केवल अपने ज़मीन का प्रचार प्रसार करना है, आपके द्वारा हमें पैसा नहीं लेना है। मैं बोला मैं नहीं कराऊंगा, बिल्कुल नहीं कराऊंगा। फिर ये लोग बोले कि नहीं सर आप करा लीजिए, आपसे पैसा हम नहीं लेंगे, आपका काम फ्री में करेंगे। अब उसके पश्चात 7 तारीख 6-7 को काम किए, मैंने 7 को अपना घर वापस आ गया, बात ख़त्म वहीं हो गया। 12 तारीख को आए तो 12 तारीख को लोग फिर घर आ गए और घर आने के बाद बोलते हैं चलिए आपको खेत चलना है। मैं क्यों जाऊँगा खेत, खेत का नापकरण करना है और नापना है। तो मैं बोला मैं कराए ही नहीं, तो हम लोग तो कर दिए हैं सर, तो आप लोग किए हो तो आप लोग जाने, आपकी काम जाने। पीछे पीछे वो लोग मुझे मेरा घर पुनः आ गए और आ करके हम बोलते हैं सर आपके खेत का कीमत जो है 40 लाख रुपया हो रहा है, तो आप हमें 20 लाख रुपए दे दीजिए। मैंने कहा नहीं दूंगा, मैं जो भी करना है आप वो कर लीजिए, लेकिन मैं नहीं दे पाऊँगा। अब उसका चलिए तो सर हमारे साथ करके ये लोग ज़बरदस्ती की दबाव पूरा बनाते हुए मुझे कोटा ले गए और कोटा पंजाब नेशनल बैंक में ले जा करके बोले कि आप हम जो कह रहे हैं आप करते जाए, पीछे मुड़ के भर नहीं देखेंगे आप। तो मैंने इनके कथनानुसार ही पासबुक अपना निकाला, चेक निकाला और चेक बुक से बल्कि इनको 4 लाख रुपए निकाल के दे दिया। गिरोह बाहरी लग रहा है, क्या लग रहा है? बाहरी है। कितने लोग हैं इसमें शामिल? अब इसमें 5-6 लोग हैं शामिल। मशीन कहाँ की थी ऐसा कुछ जानकारी आपको? मशीन की जानकारी नहीं थी मुझे कहाँ की है। परिचय बताइए अपनी। मैं केएस ध्रुव हूँ, सेवानिवृत्त व्याख्याता हूँ। मैं मई 2021 में मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ।